मंत्री हूँ तो क्या, अमेठी की सांसद भी हूँ, झूठ का पर्दाफाश करने का मेरा भी अधिकार है। संसद में राहुल गांधी अपने ही जाल में फंसते नजर आए, इतनी बुरी तरीके से फंस गए कि पीठ दिखाकर भाग गए, लेकिन बाद में स्मृति ईरानी ने मानो उनका कच्चा चिट्ठा खोल दिया, खूब हल्ला हुआ। आखिर कैसे राहुल गांधी की सच्चाई सबके सामने आ गई, इस खबर में दिखाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान। बजट पर राहुल गांधी को बोलना था, उनका नंबर था, लेकिन बजट को छोड़कर उन्होंने हर किसी मुद्दे पर बोला। किसानों पर उन्होंने ना जाने क्या क्या कह दिया, लेकिन इसके बाद वो घिरते नजर आए। दरअसल उन्होंने एक बात कही कि मोदी सरकार किसानों की जमीन हड़पेगी, बस इसी बात पर बाद में स्मृति ईरानी ने उन्हें कैसे धोया, कैसे उनकी सच्चाई सबके सामने लाकर रख दी, इस क्लिप में आप देखिए। महोदय, जिस बजट में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रावधान हो उस पर चर्चा करना सज्जन को स्वीकार नहीं, क्योंकि अमेठी में 194 ऐसी पंचायतें हैं जिनमें आज तक उस व्यक्ति ने भवन ही नहीं बनवाया था। ये भवन निर्माण कब संभव हुआ महोदय? जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। आज जब शौचालय की बात करती हूँ, 3 लाख परिवारों की बात करती हूँ, महोदय सोचिए जिस लोकसभा क्षेत्र से देश के प्रधानमंत्री आए, जो सज्जन आज बालहट का यहां पर उदाहरण दे रहे थे, उस लोकसभा क्षेत्र में 680 ऐसे सार्वजनिक स्थल से महोदय जहां पर जिंदगी में कभी सामुदायिक शौचालय नहीं बना। उस लक्ष्य की पूर्ति करने वाले इस बजट का आज मैं अमेठी की सांसद होने के नाते समर्थन करती हूँ महोदय, इसलिए खड़ी हुई। 2,23,000 करोड़ का आवंटन वित्त मंत्री ने इस बजट के माध्यम से किया, लेकिन सरोकार उस सज्जन को नहीं जब वो सांसद थे, उनके जिला के अस्पताल में महोदय सीटी स्कैन की मशीन तक नहीं थी। महोदय, जब वो सज्जन सांसद थे अमेठी के, तब उनके परिवार के एक ट्रस्ट ने वर्षों पहले जमीन ले ली प्रशासन से, ये झांसा देते हुए कि मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा अमेठी में, उस जमीन पर अपने लिए गेस्ट हाउस बना लिया। लेकिन आज मैं अमेठी की सांसद होने के नाते ये कहना चाहती हूं, अमेठी में पहली बार मेडिकल कॉलेज देने का अगर प्रावधान किसी ने किया तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया। महोदय मैं कहना चाहती हूँ, आपका रिकॉर्ड में नहीं जाता है, महोदय एक सांसद के नाते मैं जो तथ्य आज कह रही हूँ उसे कोई नहीं झुटला सकता। जिस सांसद के रहते अमेठी में एक सीटी स्कैन की जिला अस्पताल में मशीन तक नहीं लगी, सुनने की शक्ति रखो, उस सांसद ने कभी भी इस बात पर चिंतन नहीं किया कि 2010 में अमेठी जिला के सृजन के बाद कलेक्टर का एक ऑफिस तक नहीं बना। महोदय, शिलान्यास अगर कलेक्टर ऑफिस के लिए, अगर आरटीओ ऑफिस के लिए, जिला के अगर फायर स्टेशन के लिए, पुलिस लाइन के लिए, जिला विद्यालय निरीक्षक का कार्यालय उसके लिए, अगर ये सारे शिलान्यास ये सारे कार्य हुए महोदय तो उस आवंटन की वजह से हुए जिस बजट को आज पीठ दिखाकर वो व्यक्ति यहां से चले गए। और जो व्यक्ति अपने जिले में अपनी लोकसभा क्षेत्र में कलेक्टर का एक ऑफिस नहीं बना पाया, वो देश को बनाने के बजट का समर्थन का खाक करेगा महोदय, ये कहना उचित होगा महोदय कि इस बजट में जब स्वास्थ्य के आवंटन की मैंने चर्चा की तो मात्र मेडिकल कॉलेज की चर्चा नहीं की सांसद के नाते, मैं ये भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ देश की प्रदेश की सरकार को कि 200 बेड का ट्रॉमा सेंटर अगर बना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा मेरे गृह क्षेत्र में, मेरी लोकसभा क्षेत्र में बना। महोदय, जिस सज्जन ने आज बजट से चर्चा करने से इनकार कर दिया, उस सज्जन को कभी ना कभी अमेठी में जाकर इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि अमेठी में 3 लाख गरीब परिवारों की बहू बेटियां माताएं खुले में शौच में जाती थी, उन परिवारों के लिए कभी भी इस सज्जन ने एक शौचालय तक नहीं बनवा कर दिया। राहुल गांधी तो अपना भाषण पूरा करते ही चले गए, आगे जवाब जो थे वो उन्होंने सुने भी नहीं। उसके बाद स्मृति ईरानी ने बताया कि अमेठी में हो क्या रहा था, क्योंकि राहुल गांधी उसी अमेठी से सांसद चुने जाते थे।
वहीं से राजीव गांधी प्रधानमंत्री बना करते थे। लेकिन जब अमेठी का विकास नहीं हुआ, जब अमेठी से सौतेला व्यवहार किया गया, तो कैसे स्मृति ईरानी ने एक एक बात बताई। जैसे ही वो बोल रही थी वैसे ही अधीर रंजन चौधरी उखड़ रहे थे। वो बंगाली में बोल रहे थे, सोच रहे थे शायद स्मृति ईरानी बंगाली जानती नहीं, लेकिन बंगाली में भी उत्तर मिल गया और कैसे समझाया गया आप भी देखिए। क्या आपने कोहार में किसानों से जमीनें ली ये कहकर कि आप सम्राट साइकिल और नया नया उद्योग बनाएंगे? उद्योग आपने खड़ा नहीं किया, लेकिन आपने आपकी ट्रस्ट ने उस जमीन को खरीद लिया। वो जमीन जो कमर्शियल किसी एंटरप्राइज के लिए था, एक एनजीओ ने खरीद ली। ऐसा कोई बचा नहीं जिसको जायस में बहादुरपुर के आसपास किसानों से तुम्हें नहीं कुछ बताया। जमीन ली गई है कहते हुए अमेठी गए भी नहीं, तुम बैठ जाओ। जमीन ली गई है कहते हुए आज के अपना के प्रमाण दीते पड़ी हमी प्रमाण दीते पड़ी कुछ नहीं बता तुम्हें बोलछी अपनी भाषा में बोलछी बैठ जाओ। मंत्री हूँ तो क्या, अमेठी की सांसद भी हूँ। झूठ का पर्दाफाश करने का मेरा भी अधिकार है। आप बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए। अधीर रंजन जी बैठ जाइए। जायस बहादुरपुर बैठ जाइए। किसानों से जमीन ली गई ये कहकर, ये कहकर कि महिलाओं के लिए इंटर कॉलेज खोला जाएगा, और इंटर कॉलेज नहीं खोला महोदय, उनकी दोबारा ट्रस्ट ने वो जमीन ले ली, अपना कार्यालय खोल दिया। और जब प्रशासन ने महोदय वो जमीन वापस मांगी, तो ये कोर्ट चले गए किसानों के खिलाफ। अब आपको दिखाते हैं आखिर राहुल गांधी ने कैसे बजट भाषण पर बोलने की बजाय किसान आंदोलन पर बोला, किसान कानूनों पर बोला, और कई बात वो झूठ बोल गए, बस यहीं फंस गए। पूरा देश एक आवाज से हम दो हमारे दो के खिलाफ उठने जा रहा है। और ये याद रखिए, मैं कह रहा हूं लिख के ले लीजिए। आप सोचते हो कि हिंदुस्तान के किसान को, मजदूर को, छोटे दुकानदार को अपने पैसे से, अपने धन से परे कर सकते हो? ये आप सोचते हो? आप ये सोचते हो? आप लिख के ले लो मुझसे, किसान एक इंच पीछे नहीं हटने वाला है। किसान आपको हटा देगा, मजदूर आपको हटा देगा, छोटा दुकानदार आपको हटा देगा, मगर वो पीछे एक इंच नहीं हटने वाला। तो देखा आपने आखिरकार कैसे राहुल गांधी फॉर्म में थे, लेकिन वहां से जाते ही वो आउट ऑफ फॉर्म हो गए। देखना होगा आगे और क्या कुछ इस राजनीति में अब होता रहेगा। पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। नमस्कार।